नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी द्वारा बार बार पूछताछ से परेशान होकर अपने फेसबुक पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, मैं और मेरी कंपनी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, हम पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत है, लेकिन बीजेपी को मेरी पत्नी प्रियंका गांधी के परिवार से नाराजगी लड़ाई पूर्व से चलती आ रही है, जिस कारण मुझे परेशान करने के ख्याल से बीजेपी वालों ने मुझ पर गलत व मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमें परेशान करने का काम कर रही है। मेरा दोष सिर्फ इतना है कि प्रियंका का पति हूँ, मेरे ऊपर लगे आरोप के बारे में पूछताछ के लिए मुझे ईडी द्वारा लगभग 11 बार बुलाया गया। मैंने ईडी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देते आ रहा हूँ, सभी के साक्ष्य भी देते आ रहे हैं, फिर भी मुझे अधिकांश विभागों द्वारा बराबर नोटिस मिलते रहे हैं। मैंने अदालत के सभी आदेशों का पालन करते आ रहा हूँ, लेकिन इस सब के पीछे बड़ा कारण यह है कि भाजपा सरकार केवल अपनी राजनीति लाभ के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी हरकतों तथा विफलताओं को छुपाने में मुझे जरिया बनाकर रॉबर्ट वाड्रा द्वारा एजेंसियों को निर्दोष एवं निष्पक्ष बताते हुए कहा कि यह तो सरकार द्वारा दी गई जवाबदेही को पूरा कर अपना काम कर रही है। वाड्रा ने यह भी कहा कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और कानून हर किसी पर लागू होना चाहिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा है, आप देखें, फेसबुक पर लिखा है कि मुझ पर लगे सभी गलत आरोप बेबुनियाद हैं, हम विचलित न होकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार लगाते रहा हूं, इससे मुझे खुशी और संतुष्टि मिलती है और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। वाड्रा पर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग कर मोटी रकम छिपाने तथा अब अकूत संपत्ति अर्जित करने का है, जो संपत्ति भारत से लेकर विदेशों तक में है। दोस्तों, अगर आज की खबर आपको पसंद आए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई अगली खबर के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।